अहमदाबाद के अंबेडकर पार्क में आज आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए एक सूत्रीय ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा है। दरअसल मानदेय का शीघ्र भुगतान कराए जाने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज आशा कर्मचारी यूनियन ने सिविल लाइन क्षेत्र अंबेडकर पार्क में जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपा है। अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन के दौरान आशा कर्मचारी यूनियन की जिला अध्यक्ष संजय देवी ने कहा कि लगभग पिछले 5 माह से आशा कर्मचारियों और आशा संघनियों के मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके चलते आशा कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि शीघ्र से शीघ्र हमारे मानदेय का भुगतान कराया जाए। साथ ही आशा कर्मचारियों की कई समस्याओं के समाधान की मांग भी की गई। इस दौरान आशा कर्मचारियों ने 7 चेतावनी दी है कि यदि उनके मानदेय का भुगतान शीघ्र नहीं कराया गया तो फिर उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हमारा खर्चा कैसे चलता हुआ, पूरे दिन हम बाहर हैं। मेरा भी कहाँ चल गया सर, ऐसा सर आशा ने आज प्रश्न कराया, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इनकी आशाओं की समस्या बिल्कुल सही है और जैसे ही इनका पेमेंट आएगा इनका भुगतान कर दिया जाएगा और इसके बारे में लगातार प्रयास जारी है।